Student, today we will learn about our chapter 4, capital letters and full stop. Today we will learn about our capital letters and full stop. Now we see here, capital letters come at the beginning of a sentence. जो sentence होता है उसके beginning में capital letter आता है. Now see here children. Here, chapter number 4, capital letters and full stop. तो हमने देखा कि capital letters every sentence का first letter जो होता है वो capital में आता है. यहाँ पे है we know, यहाँ पे लिखा है we know that in English there are two types of letters. English में two types के letter होते हैं, small letters and capital letters. We are capital letters. See here, आपको यहाँ पे दिया है capital letters और यहाँ पे लिखा है we are small letters. तो यहाँ पे small letter है, capital letter और small letter. See here, capital letters we write with small letters, but we also use capital letters. हम लोग स्मॉल लेटर भी लिखते हैं और कैपिटल लेटर भी लिखते हैं, पर हम लोग कैपिटल लेटर जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसके फर्स्ट में जो लेटर आता है उसका फर्स्ट जो लेटर होता है वो हम लोग हमेशा ऑलवेज वी राइट द कैपिटल लेटर, ऑलवेज वी यूज कैपिटल फॉर फर्स्ट लेटर. तो यहाँ पे बच्चों देखो, सी हियर, लेट अस लर्न द करेक्ट यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स. रीड दिस सेंटेंस. यहाँ पे वन सेंटेंस गिवन हियर, टुडे इज अ हॉलीडे, माय स्कूल इज क्लोज्ड. तो टुडे इज अ हॉलीडे, उसमें टी जो है वो कैपिटल है. फिर यहाँ पे फुल स्टॉप है, फिर नया सेंटेंस है माय स्कूल इज क्लोज्ड, तो उसमें फर्स्ट लेटर एम है, तो एम भी कैपिटल लेटर है. यहाँ पे लिखा है वेयर डू यू सी द कैपिटल लेटर्स. आपने कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ पे देखे हैं? कि बहुत सारे जो नेम्स होते हैं कभी कभी, जैसे कि पर्सन्स के नेम, फिर डेज के नेम, फिर मंथ के नेम, फिर सब्जेक्ट्स के नेम, ये सारे जो नेम्स होते हैं उसमें फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल आता है. नाउ सी हियर, कैपिटल लेटर्स कम एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस. स्पेशल नेम्स ऑल्सो बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर्स. द नेम ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड इज मधु. जैसे कि स्पेशल नेम होते हैं उसमें जो फर्स्ट लेटर होता है वो भी कैपिटल में ही आता है. नाउ सी हियर, वी ऑलवेज राइट आई इन कैपिटल. जो आई लिखते हैं हम लोग, आई एम बॉय, आई एम गर्ल, तो आई उसका जो फर्स्ट होता है वो आई हमेशा एवरी जगह पे ऑलवेज कैपिटल आता है. नाउ पेज नंबर 13 पे देखो, यहाँ पे लिखा है माय फ्रेंड एंड आई स्टडी इन क्लास 3. तो यहाँ पे जो आई जो है वो कैपिटल लेटर में है. उसके बाद सी हियर, द स्पेशल नेम्स दैट बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स आर एज फॉलोज. तो यहाँ पे हमको सारे नेम्स दिए हैं वो ऑलवेज उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में आता है. जैसे कि नेम्स ऑफ पर्सन, उसमें है ज्योति और मिताली, तो ज्योति का जी कैपिटल है और मिताली का एम कैपिटल है. नेम्स ऑफ डेज, तो डेज के नेम होते हैं, सेवन डेज के नेम, मंडे, सैटरडे, ट्यूजडे, वो सारे नेम जो होते हैं उसमें हमको यहाँ पे दिया है मंडे एंड सैटरडे. तो यहाँ पे मंडे का एम कैपिटल किया है और सैटरडे का एस कैपिटल किया है. नाउ 3 नंबर में है नेम्स ऑफ मंथ्स. मंथ में है तो फेब्रुआरी और जुलाई दिया है, तो आप देख सकते हो कि उसमें एफ कैपिटल है फर्स्ट लेटर और जुलाई का फर्स्ट लेटर जे कैपिटल में है.
names of subject, subjects, तो subjects में English and art, तो English का A, और यहाँ पे already dark किया हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि उसका first letter capital में दिया है. उसके बाद है names of countries and cities, तो India, Japan, Delhi. उसके बाद है names of schools, modern school और modern high school. Names of rivers and seas, Yamuna, Red Sea. Red Sea और Yamuna का देखो capital first letter है. Names of festivals, तो होली, ओनम, ईद, क्रिसमस, ये सारे जो फेस्टिवल्स के नेम है उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल में आता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम्स दिए, तो उसमें जो फर्स्ट लेटर है वो हमको डार्क दिया है और कैपिटल दिया है, तो हमको समझ में आ गया कि नेम्स ऑफ पर्संस, डेज, मंथ्स, सब्जेक्ट्स, कंट्रीज एंड सिटीज, स्कूल्स, रिवर्स, सीज, फेस्टिवल्स, वो सब के नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल में आता है. नाउ सी हियर चिल्ड्रन, री राइट दिस सेंटेंस इज यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर डू यू थिंक दे आर नेसेसरी. यहाँ पे हमको जो एक्सरसाइज दी है वो हमको फिर से लिखनी है, और उसमें हमको जो सेंटेंस दिए उसमें जहाँ पे कैपिटल लेटर आता है वहां पे हमको कैपिटल करना है. सो फर्स्ट सेंटेंस इज द डॉग इज बार्किंग लाउडली, तो यहाँ पे कैपिटल लेटर कहाँ पे आएगा किसको पता है? हाँ, सबको पता चल गया कि फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है, तो इसमें आएगा टी कैपिटल, तो आएगा द कैपिटल टी करना है, और फिर बाद में लिखेंगे द डॉग इज बार्किंग लाउडली, और लास्ट में फुल स्टॉप करेंगे. उसके बाद है सेकेंड, सेकेंड में हमको दिया आई विल बी लेट फॉर माई स्कूल, तो उसमें कौन सा लेटर फर्स्ट लेटर कैपिटल में आएगा? तो उसमें आएगा आई कैपिटल में लिखेंगे, फिर लिखेंगे विल बी लेट फॉर माई स्कूल. फिर उसके बाद है यहाँ पे जो कैपिटल आता है उसके नीचे मैंने ऐसा छोटा सा डॉट जैसा अंडरलाइन भी किया है कि जो लेटर कैपिटल में हमको लिखना है. थर्ड नंबर में है दिव्या इज माई बेस्ट फ्रेंड, उसमें दिव्या जो है वो स्पेशल नेम है, इसीलिए उसका डी फर्स्ट लेटर कैपिटल में आएगा, और फिर बाद में पूरा सेंटेंस दिव्या इज माय बेस्ट फ्रेंड, फिर बाद में फुल स्टॉप करना है. उसके बाद फोर्थ नंबर शी स्टेज इन दिल्ली, तो उसमें सी जो है उसमें एस कैपिटल आएगा और दिल्ली का डी कैपिटल आएगा. सो सी हियर शी स्टे इन दिल्ली. उसके बाद है फाइव नंबर आई स्टडी इन मॉडर्न पब्लिक स्कूल, तो आई कैपिटल, एम कैपिटल, पी कैपिटल और एस कैपिटल. उसके बाद है वी विल विजिट आगरा इन दिसंबर, तो उसमें W कैपिटल, A कैपिटल आगरा का और दिसंबर का D कैपिटल लिखना है. सी हियर यहाँ पे लिखा है मैंने वी विल विजिट आगरा इन दिसंबर. नाउ टर्न द पेज एवरीबॉडी. उसमें है सबसे फर्स्ट My brother has a poster of Sachin Tendulkar. तो उसमें M capital, Sachin का S capital, Tendulkar का T capital. तो उसमें ऐसा सेंटेंस में हमको कैपिटल करके लिखना है. उसके बाद एट नंबर है इंदू's birthday is in January. तो उसमें I इंदू का I capital और January का G capital करना है. उसके बाद नाइन नंबर अवर क्लास टीचर इज मिस अर्पिता सेन,
तो उसमें अवर का ओ जो है वो कैपिटल में, और मिस जो है उसमें एम कैपिटल, अर्पिता है उसमें ए, और सैन जो है उसका एस कैपिटल करना है। उसके बाद है माय फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश, तो उसमें एम कैपिटल, उसके बाद सब्जेक्ट जो इंग्लिश का स्पेलिंग है उसमें ई कैपिटल करना है। उसके बाद है 11 नंबर, आई लव टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, तो आई कैपिटल, और बाद में लास्ट में सारे सेंटेंस में आपको फुल स्टॉप करना है। उसके बाद 12 नंबर, द स्कूल री ओपन्स इन जुलाई, तो द जो है उसमें टी कैपिटल और जुलाई में जे कैपिटल आएगा। उसके बाद है सैटरडे इज अ हॉलीडे, तो सैटरडे हमने देखा कि नेम्स ऑफ डेज उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है, तो यहाँ पे जो सैटरडे है उसमें एस कैपिटल आएगा। उसके बाद 14 नंबर, हैव यू एवर विजिटेड जापान, तो उसमें हैव जो है उसमें एच कैपिटल और जापान का जे कैपिटल करना है। और ये क्वेश्चन है इसीलिए आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क करना है, फुल स्टॉप करना नहीं है ना। उसी ही और यहाँ पे हमको दिया है फुल स्टॉप। रीड द फॉलोइंग, वीना इज माई फ्रेंड, वी प्ले टूगेदर, द लिटल डॉट एट द एंड ऑफ इच सेंटेंस इज कॉल्ड अ फुल स्टॉप। जो छोटा सा हम लोग डॉट करते हैं, यहाँ पे हमको दिखा है सर्कल करके, यहाँ पे देखो इसमें छोटा सा डॉट है, तो उसको हम लोग फुल स्टॉप बोलते हैं। यहाँ पे क्लाउड में लिखा है वी स्टार्ट अ सेंटेंस विथ अ कैपिटल लेटर, वी एंड अ सेंटेंस विथ अ फुल स्टॉप। हम लोग हमेशा ऑलवेज वी स्टार्ट अ सेंटेंस विथ अ कैपिटल लेटर एंड वी एंड अ सेंटेंस विथ अ फुल स्टॉप। तो हमको सेंटेंस के स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर करना है एंड एंड में फुल स्टॉप करना है। अगर क्वेश्चन क्वेश्चन है तो हमको क्वेश्चन मार्क करना है। एक्सरसाइज बी ऑन पेज नंबर 15, राइट दीज सेंटेंसेस प्रॉपरली, यूज कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप वेयर नीडेड। यहाँ पे जहाँ पे हमको कैपिटल लेटर करना है वहाँ पे हमको कैपिटल करेंगे अगली एक्सरसाइज के जैसे ही, और जहाँ पे फुल स्टॉप करना है वहाँ पे हम लोग फुल स्टॉप सब में आएंगे, पर जो अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें हम लोग क्वेश्चन मार्क करेंगे। यहाँ पे भी जो कैपिटल आता है उसके नीचे मैंने अंडरलाइन डॉट जैसा अंडरलाइन छोटा सा किया है। तो जो फर्स्ट है वी आर इन द क्लासरूम, तो उसमें वी ए का डब्ल्यू जो है वो कैपिटल में आएगा, बाकी का जो सेंटेंस है वो स्मॉल लेटर में लिखना है। सेकेंड नंबर में विशाल इज ड्रॉइंग अ पिक्चर, तो उसमें विशाल का वी जो है वो हमको कैपिटल में करना है, उसके बाद बाकी का पूरा स्मॉल लेटर में। थर्ड नंबर, द टीचर इज इन द क्लास, तो टीचर द जो है उसमें हमको टी कैपिटल में करना है। उसके बाद 4 नंबर है, उसमें मोहन का एम जो है वो हमको कैपिटल में करना है, बाकी का स्मॉल लेटर में लिखना है। मोहन हैज लॉस्ट हीज पेंसिल। उसके बाद है 5 नंबर, वानी इज रीडिंग अ स्टोरी, तो वानी का वी कैपिटल। 6 नंबर, इट इज सनी डे मॉर्निंग, तो इट जो है उसमें आई कैपिटल। सन इट इज संडे मॉर्निंग, तो संडे जो है उसमें एस कैपिटल करना है, और इट है उसमें आई कैपिटल करना है। उसके बाद है 7 नंबर, अवर स्कूल विल रीओपन ऑन मंडे, तो उसमें हमको ओ जो है वो कैपिटल करना है और मंडे का एम कैपिटल करना है। उसके बाद 8 नंबर, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर,
तो उसमें जनवरी जो है उसका जी कैपिटल करना है, और बाकी का जो पूरा पूरा सेंटेंस है वो हमको स्मॉल लेटर में लिखना है। उसके बाद 9 नंबर जीत एन आई आर नेबर्स। तो हमने देखा कि आई जो है वो हमेशा ऑलवेज कम्स इन कैपिटल, सो यहाँ पे भी आई जो है वो हम लोग कैपिटल में लिखेंगे, और जीत जो नेम है स्पेशल नेम उसका जी कैपिटल करेंगे। लास्ट है 10 नंबर आई मेट सोनाली इन द लाइब्रेरी, तो उसमें आई कैपिटल करना है, और सोनाली जो है उसका हमको एस कैपिटल में करना है। नाउ सी हियर लेट्स रिवाइज। उसमें हमको दिया है हेलो आई एम अ फुल स्टॉप आई कम एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, ये फुल स्टॉप है और वो बोलता है कि मैं सेंटेंस के एंड में यूज होता हूँ। और यहाँ पे लिखा है वी आर कैपिटल लेटर्स, हम लोग कैपिटल लेटर्स है, ये यहाँ पे आपको दिख रहे है ए डी डब्ल्यू वो सब कैपिटल लेटर्स है। सेंटेंस स्टार्ट विथ अस, वो बोलते हैं कि सेंटेंस जो स्टार्ट होता है तो कैपिटल लेटर्स यूज होता है। स्पेशल नेम स्टार्ट विथ अस, और स्पेशल नेम्स जो होते हैं वो भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। नाउ एवरीबॉडी कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन टेक्स्ट बुक एंड इन योर ग्रामर नोटबुक। थैंक यू।